पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएमसी अस्पताल का दौरा कर 3 साल की बच्ची अदीबा का हाल जाना। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले किश्तवाड़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में इस बच्ची का पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अन्य घायलों को भी मिले और उनका हाल चाल जाना। लगता है एक आध दिन में उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके आने वाले समय में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी आर्थिक और दूसरे सहयोग की दृष्टि से, उसको लेकर के भी आज चर्चा हुई है और एक निरंतर प्रक्रिया रहेगी बच्ची के लिए आने वाले वर्षों आने वाले समय। कश्मीर घाटी के दक्षिण कश्मीर के द्रब गांव पुलवामा में जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। खुफिया सूचना मिलने पर तड़के सुबह सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। रोहित शर्मा 103 और केएल राहुल 111 के शानदार शतकों के बूते भारत ने श्रीलंका पर 7 विकेट से विशाल जीत दर्ज की। लीड्स के हिडिंगले स्टेडियम में हुए इस मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका ने भारत के सामने 265 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने आसानी से 39 गेंद शेष रहते 43.3 ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के काडर भारत पाकिस्तान की सीमा छोड़कर अफगानिस्तान की सीमा में शिफ्ट हो गए हैं। इसके कारण भारत के राजनयिक मिशन और कार्यालय को हाई अलर्ट पर रखा गया है। माना जा रहा है कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों को एक दिन पार्टी का गढ़ बनाने की दिशा में काम करने के लिए कहा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने पहले कर्नाटक में सरकार बनाई थी, फिर भी हमें कहा जाता है कि भाजपा दक्षिण में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि चाहे तेलंगाना हो, आंध्र हो या केरल हो, इन तीनों राज्यों को किसी दिन भाजपा का गढ़ बनाना होगा। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस जनता दल एस गठबंधन के 13 विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपने से राज्य में मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली महज साल भर पुरानी सरकार खतरे में पड़ गई है। इधर इस सियासी संकट को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर गठबंधन सरकार को स्थिर करने और उसके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा को कर्नाटक में चुनी हुई सरकार हजम नहीं हो रही है। भाजपा विधायकों को खरीदकर कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को अस्थिर करना चाहती है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के 4 सप्ताह में नशा खत्म करने का दावा जमीनी स्तर पर 113 सप्ताह बाद भी कागजी ही साबित हुआ। नशा बिक रहा है, ओवरडोज से युवा मर रहे हैं। सवाल ये है कि ये आखिर नशा पहुंचता कैसे है और इसकी रीढ़ क्यों नहीं टूट पा रही। जो भी कारण सामने आ रहे हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हैं। विश्व पटल पर आतंकवाद में घिरने के बाद अब पाकिस्तान नशे के जरिए भारत को खोखला करना चाहता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने व्यापन पीईबी के पुनर्गठन की तैयारी कर ली है। राज्य में व्यापन की जगह राज्य कर्मचारी आयोग बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिसके चलते शिक्षकों की 18,000 भर्ती अटकी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी के शानदार करियर की प्रशंसा करते हुए आईसीसी ने पूर्व कप्तान की उपलब्धियों को साझा करके उन्हें भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदलने वाला करार दिया। रविवार को अपना 38वां जन्मदिन मनाने वाले धोनी क्रिकेट के तीनों वैश्विक खिताब जीतने वाले इकलौते कप्तान है। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में एक दिवसीय विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को मशहूर डांसर सपना चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भाजपा की सदस्यता अभियान कार्यक्रम में उन्होंने सदस्यता हासिल की। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा महासचिव रामलाल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 5 साल में अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
किसानों के पसीने की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका होती है। उसे पोषक से आगे निर्यात बनाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोलर ऊर्जा से किसानों को जोड़ा जाएगा, इससे सिंचाई के बाद बची हुई बिजली वो बेच सकेंगे। पानी के संसाधनों, मछली कारोबार की संभावना को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसान सीधे निर्यात से जुड़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, इसमें कई नामी लोग झाड़ू लगाते दिखाई दिए तो कुछ अभियान के एम्बेसडर भी बन गए, लेकिन कुछ दिनों में यह अभियान फुस हो गया। कोई नगर स्मार्ट नहीं बन पाया, शौचालय भी बेकार हो गए। अब प्रधानमंत्री ने वाराणसी में पौधारोपण करते हुए प्रदूषण से मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण तथा हर घर नल और हर नल जल अभियान का ऐलान किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि ये अभियान भी फुस न हो जाए। गुजरात में एक अदालत ने गौवंश की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है। ये पहला मामला है जिसमें अदालत ने गौकशी को लेकर इतनी बड़ी सजा दी है। गुजरात के धोराजी शहर की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाते हुए आरोपी व्यक्ति पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उल्लेखनीय है कि जून 2017 में गौवंश सुरक्षा को लेकर गुजरात विधानसभा ने नया कानून पास किया था। कानून पारित होने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। देश की रेल प्रणाली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सरकार की नजर 2030 तक रेलवे में 50,00,000 करोड़ रुपए के निवेश पर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात कही। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 65 साल में पर्याप्त निवेश नहीं किए जाने से देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे की बमुश्किल 30% में ही वृद्धि हुई है। आम बजट 2019-20 पर अपनी टिप्पणी में गोयल ने कहा, सरकार की 2030 तक रेलवे 50,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना है ताकि इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेलवे प्रणाली बनाई जा सके। नाराज बीसीसीआई ने हिडिंग्ले स्टेडियम के ऊपर विमान से भारत विरोधी बैनर लहराने के मुद्दे को अस्वीकार बताते हुए बेहद निराशा वाला बताया। आईसीसी के समक्ष अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। राजनीति से प्रेरित एक अन्य घटना के तहत शनिवार को भारत और श्रीलंका के बीच विश्व कप मैच के दौरान हिडिंग्ले स्टेडियम के ऊपर भारत विरोधी बैनर लहराता हुआ विमान उड़ा। जेट एयरवेज के बाद अब एयर इंडिया भी मुश्किल के दौर से गुजर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एयर इंडिया में अपनी 100% हिस्सेदारी बेच सकती है। बता दें कि अक्टूबर के बाद से एयर इंडिया के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। बीते वर्ष भी सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती थी, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के कारण सरकार ने इसे रोक दिया था। अब सरकार इसे बेचने के लिए एक बार फिर सक्रिय हो गई है। अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने वाले शिव भक्तों का आंकड़ा तेजी से ऊपर जा रहा है। अगले 2 से 3 दिन में ये आंकड़ा 1,00,000 से ऊपर होने की उम्मीद है। इस साल जिस तरह से दर्शनार्थी यात्रियों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे अंदाजा है कि अब तक की रिकॉर्ड यात्रा होगी। इस बीच शनिवार को 14,402 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसके साथ ही दर्शनार्थी यात्रियों का आंकड़ा 81,630 तक पहुंच गया है। पारंपरिक बलटाल रूट से 5,155 और पहलगाम रूट से 6,075 यात्री पवित्र गुफा की ओर बढ़े हैं।